तो आमतौर पे अगर हम देखें तो ये शब्द कहीं मिलता नहीं है। अगर हम रामायण पढ़ें तो रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, अगर हम महाभारत पढ़ें तो महाभारत में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो जैसे अपने यहाँ शब्द है सप्ताह, सप्ताह 7 दिन का, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं इस हफ्ते आ रहा हूं, तो वो हफ्ता कैसे हो गया? सप्ताह शब्द है, हफ्ता कैसे हुआ? जैसे हमने कहा ना परमात्मा इस स्वरूप में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और एक नया आदमी कहे मैंने परमात्मा को इस स्वरूप में देखा, तो हम कहते हैं हाँ भाई तेने भी देखा होगा, तेरी धारणा है। हम किसी धारणा को नकारते नहीं है। हिंदुत्व शब्द जो है वो हिंदू शब्द से निकला हुआ है। हिंदू हिंदू क्या है, उसको हिंदू भावना, उसको बोलते हैं हिंदुत्व। तो आमतौर पे अगर हम देखें तो ये शब्द कहीं मिलता नहीं है। अगर हम रामायण पढ़ें तो रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, अगर हम महाभारत पढ़ें तो महाभारत में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, उसमें आर्य शब्द मिलता है। कई बार लोग आर्य को बोलते हैं हिंदू है और आर्य नाम से जाति बन गई, फिर एक जैसे आर्य समाज बन गया। तो हमारे यहाँ ये समाज के रूप में बाद में कल्पना आई। आर्य का सामान्य अर्थ होता श्रेष्ठ। जैसे कभी किसी का नाम लेते हैं तो महाभारत में या रामायण में कई बार देखा वो बोलते हैं आर्यपुत्र, आर्यपुत्र यानी आर्य यानी श्रेष्ठ, जो अच्छे काम करते हैं उनको आर्य बोलते हैं। लेकिन हिंदू शब्द कहाँ से आया? तो हिंदू शब्द के बारे में लोग बोलते हैं कि ये पारसी लोगों ने दिया, जो एक मूल धारणा है पारसी लोगों ने दिया। तो पारसी लोगों ने क्यों दिया? तो जैसे कभी आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, कभी कोई असम का व्यक्ति मिले तो जब वो चा बोलता है तो उनके मुंह से सा निकलता है। आप अगर चाबी लिख देंगे चाहते हैं तो बोलेंगे सहते हैं। जब वो गीत कई बार गाते हैं ना, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, तो वो गाते हैं यूं ही कोई मिल गया था सरे राह सलते सलते। जैसे ही हमारे झाबुआ मध्य प्रदेश में पड़ता है एक एरिया, वहां पे भी चा का उच्चारण सा करते हैं। तो अगर आप उनसे बोलो चटनी चाहिए तो बोलेंगे सटनी चाहिए। तो ऐसे शब्द बदल जाते हैं। तो जैसे पारसी लोग हैं तो उनके जिबान जो होती है वो सा को हा बोलते हैं, उच्चारण हा निकलता है। तो जैसे अपने यहाँ शब्द है सप्ताह, सप्ताह 7 दिन का, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं इस हफ्ते आ रहा हूं, तो वो हफ्ता कैसे हो गया? सप्ताह शब्द है, हफ्ता कैसे हुआ? तो वो सा का उच्चारण हा करते हैं। इसलिए एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, बोले कभी भी उधर के पंडित से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलेंगे शतायु हो तो उनके मुंह से निकलेगा हतायु हो। मतलब आप बोलना चाहोगे शतायु हो, 100 साल के हो जाओ, और उनका उत्तर निकलेगा तो मुंह से बोलेंगे हतायु हो, यानी तुम्हारी आयु खत्म हो जाए। तो ऐसे ही शब्द था। अपने एक नदी थी वेदों में, जिस नदी का उल्लेख है, आजकल गंगा नदी बहुत प्रमुखता से हमारे हिंदुइज्म में है। गंगा तो जितनी मान्यता गंगा की है, अगर वैदिक काल में देखें तो इतनी मान्यता सरस्वती नदी की थी। तो जैसे सरस्वती प्रसिद्ध है, ऐसी हमारे एक नदी प्रसिद्ध थी, उसका नाम था सिंधु। सिंधु नदी आजकल पाकिस्तान चली गई, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है। अपने लद्दाख में हर साल एक महोत्सव होता है सिंधु महोत्सव। तो वो सिंधु महोत्सव जो होता है, वहां पर सिंधु नदी निकली थी और वहां से निकल के आगे गई, पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो सिंधु नदी चूंकि पड़ती थी तो सिंधु नदी कहलाती थी, और नीचे सागर होता, सागर को भी सिंधु बोलते थे। जो समुद्र होता है समुद्र को भी सिंधु बोला जाता है। तो चूंकि वहां के लोग, ऐसी मान्यता है, मैं उसको बिल्कुल चैलेंज से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लोगों की धारणा अलग अलग है। हिंदुइज्म के बारे में कोई भी बात परफेक्ट रूप से नहीं कही जा सकती। इसके लिए सोचने के पहले अपना दिमाग भी लगाओ, ग्रंथों का अध्ययन भी करो, तो हो सकता है कोई नई चीज निकल के सामने आ जाए। जैसे हमने कहा ना परमात्मा इस स्वरूप में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और एक नया आदमी कहे मैंने परमात्मा को इस स्वरूप में देखा, तो हम कहते हैं हाँ भाई तेने भी देखा होगा, तेरी धारणा है। हम किसी धारणा को नकारते नहीं है। तो सरस्वती नदी जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, तो पारसी लोग जब उधर से आए तो वो सिंधु का उच्चारण करते थे, साकाहा करते थे, तो सिंधु की जगह बोलने लग गए हिंदू, तो उस संस्कृति का नाम हिंदू हो गया।